उसे प्यार करती हैं जी? हाँ जरूर हेल्प करेंगे जी। थैंक यू सखी, यू द ग्रेटेस्ट। बाय द वे, आज तुम भी मुझसे कुछ कहने वाले थे ना, क्या बात कहनी थी? जी मैं तो बस इतना कहने वाला था, आई लव यू जी। जी मजाक कर रहा हूँ जी, मजाक कर रहा हूँ। आपने सच समझ लिया हैं? एवे जी एवे, ये मुमकिन है क्या? मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे जीत को हमें वहां देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। खुश कैसे होगा, मैंने उसके साथ कैसे बर्ताव किया आपको पता ही है। मैंने उसकी सक्सेस पार्टी भी बर्बाद कर दी और नीलामी में मैंने उसके साथ कैसे बात की, कैसे वो अच्छा बर्ताव करेगा मेरे साथ? कैसे हालात थे हमारे उस दिन, हमारे घर की नीलामी हो रही थी तो तनाव में था पुत्र। ताई देखो जब बुरा वक्त आता है ना तो ऐसे ही होता है। देखिए मुझे इंटरव्यू में जाना है, गॉड विलिंग ये नौकरी मिल जाए। बाय बाय। चिंता नहीं, माता रानी तेनू सफलता दे। माय पुत्र, शब ने तुझसे वादा किया है कि वो अपनी बच्ची को सोने से कभी नहीं मांगेगा, पर माय पुत्र मैं अपनी बेटी से गुजारिश कर सकती हूँ ना कि जा अपने परिवार के लिए से, अपने पति के लिए और सबसे ऊपर अपने बच्चे के लिए इप्सिता पुत्र को वापस इस घर में ले। हाँ ताई जी, है इप्सिता को वापस ले। जी इप्सिता सो गई है, अब हम माई से मिलने जा सकते हैं। सुनी, क्लाइंट का फोन आया था, मुझे अचानक दिल्ली जाना पड़ रहा है, मैं आज रात नहीं तो कल सुबह तक आ जाऊँ। जी तुम्हें तो कहा था कि ऑफिस की पूजा के बाद हम माई से मिलने जाएंगे। सुनी मैंने कहा था कि तुम वहाँ चली जाना, हम दोनों नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि तुम्हें भी जाने की वहाँ कोई जरूरत नहीं। पर क्यों? तुमने देखा नहीं वो लोग पूजा में कैसे चले हैं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जी? देखो सुनी मैं ये बात समझ चुका हूँ, तुम भी जितनी जल्दी ये बात समझो उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम्हें उनकी मदद करनी तो तुम शौक से करो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए सोनी किसी और की मदद करना खुद को भारी पड़ जाए। अपना ख्याल रखना। तो तुम स्वयं हो, लंदन से आए हो? जी हाँ। टीना के दोस्त हो? पुत्र एलआईसी इंडिया किस वास्ते आए हो, कोई काम शाम है या पढ़ाई करने के लिए आए हो? नहीं पढ़ाई तो टीना के साथ ही मैंने कंप्लीट कर ली थी, यहाँ कुछ काम से ही आया हूँ इंडिया। कहाँ रुके बेटा जी? मैं होटल ओरिएंट में रहता हूँ। और दारजी वो बिल्कुल अच्छा होटल नहीं है। तुझे कैसे पता पुत्र जी? दारजी ये तो सब लोग जानते हैं ना कि वो अच्छी जगह नहीं है, वो जी वहाँ का मालिक खुद वहाँ खाना नहीं खाता जी, जी वहाँ लोग रहते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं तो कोई लोगों का पेट दर्द शुरू हो जाता है। नहीं नहीं पुत्र तुमने कोई और जगह ढूंढ लो। हाँ वेल अब तो मुझे कोई और ही होटल देखना पड़ेगा। दारजी अब ये यहाँ कहाँ जाएगा, मतलब बंदा भी विलायतों आया नया है, हमारे यहाँ जगह भी है तो क्यों ना? तेरे ख्याल से उसे यहीं रोक लेना चाहिए, है ना बता? दारजी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारी टीना पुत्र का दोस्त है, हमारा मेहमान है और मेहमान तो रात के समान होता है, तो फिर हम ना तो नहीं कर सकते ना। नेम साहब बेबी उठ गई है, कब से रो रही है? ड्राइवर को बोल दीजिए गाड़ी निकालने के लिए, मैं माही के वहाँ जा रही हूँ। जी मैम सर। माही तुम, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, तुम ठीक तो हो ना? मैं अपनी बच्ची इप्सिता को लेने आई हूँ, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए।